ये राजा डीसी मेरा बॉयफ्रेंड है यार, आपने नहीं बोला बट आपके फैंस बोल रहे हैं, मेरी फैमिली देख रही है ना। तो फिर व्लॉग मतलब आपने व्लॉग नहीं बनाना हमारे साथ तो भी बोल दे, जो कि तेरी फैमिली में से कोई व्लॉग देख रहा है तो। पापा मम्मा देखो ये मेरा जस्ट दोस्त है, मैं सिर्फ इनके साथ व्लॉग्स बनाती हूँ और मेरा कोई सीन नहीं है इनके साथ। रास्ते पता होता ना गाइस उसको मैं इसमें बिठाता ऑटो में। मैं आपका मैप हूँ, चल ऑटो में चल। गाइस ये क्या जीतेंगे रेस यार, एक मिनट में पीछे। बाय बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक प्यारा सा ब्लॉग शूट करने के लिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में पारुल भी हमारे साथ रहने वाली है और बहुत सारे बंदों के साथ भाई मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है ना भाई, कमेंट्स करते रहते हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड है या कुछ भी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, दोस्त नाम की भी चीज़ होती है। तो भाई उसको खुद भी बहुत बुरा लग रहा था, बोलते कि अब मैं तेरे साथ ब्लॉग वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि भाई तेरे कमेंट्स मैंने चेक किए। उसकी फैमिली भी भाई ये ब्लॉग देखती है क्योंकि भाई दोस्त अलग होते हैं, रिलेशनशिप चीज़ एक अलग होती है, इसलिए भाई वो बोलते हैं मैं नाराज़ हो गया, मैं तो सब ब्लॉग वगैरह नहीं करूँगी। मैंने बोला एक काम कर, लास्ट वाली ब्लॉग में आ जा, ब्लॉग में तू बता देना जो लोग भाई मानेंगे, मुझे पता राजनी इसी फैमिली को जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो करते हैं। और भाई आज के बाद भाई आप ऐसे कमेंट्स मत किया करो भाई, फिर उसके बाद आपको कभी भी पारुल हमारे ब्लॉग में नहीं दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई पारुल हमारे ब्लॉग में ना आए तो अगर आपको भाई ऐसा बोलना है तो तब भाई आप बोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई पारुल कभी भी हमारे ब्लॉग में आए तो भाई ऐसा मत लिखा करो। तो आज पारुल भी भाई ब्लॉग में आके बोलेगी, वो वेट कर रही है अभी नीचे ही, शायद से वो हमारे साथ ही आज ब्लॉग पे जाएगी, बट वो थोड़ी सी नाराज़ है, उसने ब्लॉग के कमेंट्स पढ़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो भी क्लियर होगा वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी थ्री बॉस भी नीचे चले गए तो भाई मैं अभी ऊपर ऊपर था, मैं सोच रहा इंट्रो वगैरह शूट कर लूँ, तो ये रहा भाई मेरा सेटअप। अभी भाई निकलते हैं यहाँ से, ब्लॉग वगैरह करते हैं। बाइक अभी फिर से वॉश नहीं की है और कल से शायद गए, कल से बोलो सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कल गए हम निकल जाएंगे दिल्ली और उसके आगे के ब्लॉग आने वाले दिल्ली में। तो भाई 15 अगस्त भी शायद हम दिल्ली में मनाएंगे, ऐसे मैं सोच रहा था मैं जम्मू जाऊँगा बट पता नहीं क्या सीन रहेगा क्या नहीं। बट अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नीचे, कोल्ड स्टार्ट करते हैं भाई को, चलते हैं भाई पेरिसी राइड पे। विथ्री बॉस के हाथ में भाई दो बिस्किट रहने वाले हैं, एक रहने वाला ना वो मुगू बताएगा कि कौन से हाथ में है, पहले दिखा कौन से हाथ में है गाइस। हाँ तो गाइस मुगू ना खुद ही गैस करेगा भाई कौन से हाथ में है। इधर बताओ, देखो इधर, उधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो बॉस, मुगु बॉस चल कर अब गैस, अब मुगु बताएगा। ये वो देखो इसमें, ये साथ में, नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो। ओ भाई बोल रहा हूँ साथ में है, इसमें दिखा, खोल 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 के दिखाओ, खोल के दिखाओ, मुगु परेश उसी में खोल। ओ भाई मान गया भाई, सही है, एक और टर्न, एक और बार खेलना है गाइस। विथ्री बॉस बराबर मुगू को हरा के छोड़ूंगा बट वो नहीं हारेगा, चल कर जल्दी कर, जल्दी कर, दिखाओ करके चलेगा भाई, देख ले। अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है, मुगू या विथ्री बॉस, मैं तो मुगू की साइड हूँ। उलझ गए भाई की गाइस, अब देखते हैं कौन से हाथ में है। उसी में बोल रहा है किसमें, उसमें गाइस, इसमें राइट दिखा, खोल। ओ विनर भाई जीत गया मुगू, चल दे दे अब उसको, खिला तो दे, खिला दिया। चलो गाइस निकलते हैं, ये पड़ा बिस्किट, चलो गाइस निकलते अभी यहाँ से, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, देन निकलते हैं एक प्यारी सी राइड पे। आपको पता भाई चाहे जम्मू हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, व्लॉग करने से पहले हमारी बाइक्स को चाहिए भाई पेट्रोल, तो वो पेट्रोल हम डलवा लेते हैं, देन उसके बाद भाई चलते हैं एक प्यारी सी राइड पे। और पीछे आ रहे हैं अपने विथ्री बॉस, और विथ्री बॉस ऑलवेज बुलेट पे, देखो भाई मुझे अभी अर्जेंट कॉल आ गई है तो आप मेरी बाइक वहाँ तक लेके जाना, ठीक है। कैसे हो, हाय तो बोल दो व्लॉग में, माना मेरे से नाराज़ हो, राजा डीसी फैमिली से भी नाराज़ हो। वाह भाई इग्नोर, ठीक है। विथ्री बॉस वो बुला ही नहीं रही है मेरे को यार, पारुल पता नहीं मैंने बोला कैसे हो ना, आगे से जवाब दे रही है, क्या बोलूँ मैं बताऊँ ना, ठीक है। वो देखो भाई मेरी बाइक पर रेना दी चला रहे हैं, मेरे को अर्जेंट कॉल लगी है एक छोटी सी, तो वो मैं सुसु कर गया तब तक तेल दबाना। हम पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं तो आज मेरी बाइक में तेल मेरी बहन डलवा के दे, आज आप तेल डलवा के दे रहे हो ना मेरे को, कितने का? ओ भाई थैंक यू आपने इतना बोल दिया भाई, काफ़ी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, तो आप कुछ बोलना चाहते हो बोल दो यार। अच्छा नाराज़ हो सच में,
चलो ठीक है भाई, पारुल तो नाराज है, नहीं बुला रही, बट मेरी बहन बोलती है आपको मैं फुल करवा देते हूँ, पेट्रोल वगैरह फिल करवा लिया है। तो अभी हम आज कहाँ पे राइड पे जा रहे हैं? सुखना लेक चले, सुखना लेक चलते हैं। चलो बताओ, उस दिन भी हम सुखना लेक जा रहे थे, उस दिन भी ड्रामा हो गया था, बट आज कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। पारुल नाराज है, उसको मना लेंगे और क्या ही हो सकता है। कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपकी साइकिल का? इसका। हाँ जी, क्या? गुलाबो। ओह ओ, साइकिल का नाम गुलाबो, सही है। तो चलो गाइस, आज हम सोच रहे हैं सुखना लेक चलते हैं। ये बोरे भीतरी बहुत सुखना लेक चलते हैं, चले। वो बात ही नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं इससे। बनना चाहिए कबीर सिंह, लोग बोलते हैं विथरी बोस को, आप कबीर सिंह ही रहो। बोल, किसे टच किया? कैसे विथरी बोस? एक बार डायलॉग बोलना, पहले बोलना। ओ भाई देखो, मेरा बाइक कितना स्ट्रगल कर रहा है भाई। चक्कर पता है क्या, इसकी की में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जब विथरी बोस किक मारते हैं भाई, बाइक पकड़ती नहीं है भाई, क्या पता नहीं। हाँ ठीक है गाइस, अभी आपको डायलॉग सुनाता हूँ विथरी बोस का। पीछे से आना घूम के, विथरी बोस तेरे लिए एक डायलॉग मारेगा, अभी रुक जा। ठीक है, अभी आएगा वहाँ से घूम के। ओहो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं राजा डीसी फैमिली को समझा दूंगा। गाइस ये आपकी फरमाइश थी ना, आप बोलते ना विथरी बोस को बोला करो वो कबीर सिंह वाला डायलॉग मारो। देखो भाई उसने बोला, ये डर गई। सही बात है। देखो यार, मैं लास्ट बारी बोल रहा हूँ, बात करनी है या नहीं? मैं बोल दूंगा जब मैंने उनको बोल दिया कि पारुल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। कबीर सिंह आए, उनसे मिल लो पहले। तो मैंने बोल, तो यार मैंने थोड़ी बोला पारुल मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तो व्लॉग में यही क्लियर कर रहा हूँ यार। बाप बैठेंगे कहीं पे, उधर से कर देंगे क्लियर, और क्या हो सकता है। मैं तो यही बोल सकता हूँ ना यार, भगाओ यार, ये गरीब बीच में आ जाते हैं बुलेट वाले। साइड 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 भाई, रेस लगी हुई है मेरी आज भाई, पारुल को ड्राइंग हम। ओह भाई 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 भाई, गाइस ऐसे तो ये मानेगी नहीं, तेज चला के मनाएंगे इसको। आस्ता चलाऊं, तेज चलाऊं? आपको जैसी मर्जी चलानी है वैसे। ठीक है यार, गाइस ये बड़ा दिमाग खराब कर रही है, मन कर रहा है तो आज इसको ड्राई दूं फिर यार। चल छोड़ो यार, क्या फायदा इसको ड्रा के, सारे लोग एक तरफ से जाते और वो देखो, ओ देखो, ओ देखो, दुनिया एक तरफ, शफकत एक तरफ। हाँ हाँ वहीं पे जाना सर, हाँ हाँ स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। इस देख रहे हो हरकत है इसकी, पहले आगे चल जाता है। चलो वापिस, सिग्नल खुल गया, आओ रेस भगाओ, देखते हैं कौन जाता आगे। कैसे क्या जीतेंगे रेस यार, एक मिनट में पीछे। बाय बाय गाइस, इनको भी जीतने देते हैं यार, ये ना हो भाई कल ये RR 310 बेच दे यार, बोलेंगे भागती नहीं है यार। ये देखो गाड़ी वाला, सॉरी गाड़ी वाली मैम थी, लड़कियाँ ऐसा कर सकती हैं। भाई आगे नाका तो नहीं लगा? ओहो हो भाई, वो देखो पुलिस वाले कैसे खड़े हैं, सर देखो कैसे देख रहे हैं, प्यारी प्यारी नजरों से सर देख रहे हैं। भाई आज थोड़ी हाइपर राइड करेंगे यार, बड़े दिनों से हाइपर राइड हम करते ही नहीं है, और एक दो दिन में हम जा रहे हैं भाई दिल्ली, तो वहाँ पे जाके तो आपको पता है भाई कैसे कैसे व्लॉग आते हैं ट्रैफिक में। तो अभी भाई आज हम जा रहे हैं सुखना लेक, और उस दिन भी हम सुखना लेक जा रहे थे तो बीच में भाई वो लड़की वाला थोड़ा सा ड्रामा हो गया था, बट आज कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। आज एक ही ड्रामा है, आज ये जो नाराज बैठी है भाई, आपको भी मैं दिल से एक ही बात बोलूँगा, अगर आज DC फैमिली के बंदे मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं या भाई अपने भाई राजा भाई से आप प्यार करते हो तो भाई ऐसे कमेंट्स मत किया करो। अगर आप चाहते हो कि भाई पारुल आपको आगे भी हमारे साथ व्लॉग्स में कभी दिखे तो भाई फिर आप ऐसे कमेंट कभी मत किया करो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है या ये ऐसा कुछ भी, क्योंकि भाई बुरा लगता है लड़की को। अगर भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं आपको बोलूँ कि हाँ भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप बोल सकते हो, डोंट वरी। बट भाई जब ये है ही नहीं, तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर भाई क्या फ़ायदा, बताओ ना। दोस्त है भाई वो, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज वाले ब्लॉग में मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बाकी गाइज इसको आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना कि भाई हाँ आज के बाद हम नहीं बोलेंगे। भाई ऐसा लिखो कि भाई राजा डीसी की अच्छी दोस्त है, ये चलेगा भाई, बट गर्लफ्रेंड वगैरह सच में मत बोलो, भाई ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नो नो मीन्स नो, पता है ना गाइज, आप समझदार हो मेरे से ज़्यादा यार, फिर भी अपने भाई से आप इतनी रिक्वेस्ट करवा रहे हो यार।
गैस आज पारुल को डराऊंगा डराऊंगा चाहे जो मर्जी हो। मेरे डरती नहीं है यार, इसको डर ही नहीं लगता, इसको मैंने पूछा भी डर लगता नहीं, बोलती ना। नहीं लगता आपको? ना गैस कहती है ना। कोई बात नहीं, अभी देखो डरा नहीं रहा मैं। अगर मेरे टायर अच्छे होते ना तो फिर मैं पूरी बाइक के नीचे जोड़ देता। आजकल मैंने तेज लाना छोड़ दिया है। डांस अपनी बाइक को डांस करवाओ। गैस वो देखो ये बीन बजा रहा है और वहाँ पे बाइक देखो कैसे नाच रही है, नाच रही है सॉरी। वो देखो भाई सही है यार, मज़ेदार राइड आज भाई, मौसम भी बहुत प्यारा है। आगे देखो सर, ओ उठ हो गया गैस का दान ही था आगे यार सच में। पीछे पीछे पुल्स करे शोर, गड्डी चले नहीं तेज, मैनू दिखे ना कुछ और। गैस पुलिस वाले अभी हमें देख रहे थे बट पकड़ नहीं रहे थे क्योंकि भाई हमारे पीछे हमारी खूबसूरत सी दोस्त बैठी है, उसको देखे पुलिस वाले फ्लैट सीधा ही फ्लैट गए। और ऊपर से गए बार बार ना सिग्नल तोड़ रहे हो इसलिए पुलिस आ रही है। ओ हमने सिग्नल तोड़ा ही नहीं गए, आपने देखा एक बार भी सिग्नल तोड़ा हो मैंने? कैमरा ऑन नहीं रहता है मेरा 24 घंटे। ठीक है अगर आपको मेरे पीछे नहीं बैठना आप उतर सकते हो, मैंने आपको बोला नहीं बैठो, उठ तो जाओ अगर आपको लड़ाई करनी है। आपके पीछे बैठने का कोई शौक भी नहीं। ओहो हो गाइस सुन रहे हो, ठीक है यार ठीक है गाइस। कहाँ जाना है इतना तो बताओ। गाइस इनके चंडीगढ़ में है ना रास्ते, इनसे पूछने पड़ रहे हैं इसलिए भाई पीछे बिठाया। सच बोलूं तो रास्ते पता होता ना गाइस उसको मैं इसमें बिठाता ऑटो में। मैं आपका मैप हूं। चल ऑटो में चल जा। ओ अंकल जी सुखना लेक चलोगे, इसको ले जाओगे? चलो फिर आप चले जाओ, मैं बाइक चला लूं। बाइक आपको आती नहीं चलाने? नहीं नहीं आप चलोगे लड़ाई करने, आप बैठ जाओ ऑटो में मैं पैसे दे दूंगा। यार तो मेरी गलती है क्या? सॉरी अंकल जी। चलो गाइस फाइनली सुखना लेक पहुंच गए, ये रही सुखना लेक। तो गाइस पहले बाइक वगैरह को कर देते हैं यहाँ पे पार्क। तो उस दिन भाई हम यहाँ पे पहुंचे थे तो हमने सुखना लेक आना था तो उस लड़की के साथ ना सीन हो गया था। और बट चलो यार कोई बात नहीं, जो जो सीन होते हैं आपको साथ व्लॉग में शेयर करता ही रहता हूँ यार। आपको पता है भाई आपका भाई आपके लिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स लाता है। तो आगे से भाई पार्किंग है तो भाई मेरा मन कर रहा है विथ्री बोस को इस कैमल के ऊपर बिठा के गुजरात भेज दूँ। भाई गुजरात से विथ्री बोस को भाई ढेर सारा प्यार है, इतना सारा प्यार है ना विथ्री बोस को, मतलब एक ही बंदे से प्यार है गुजरात से उसी से ढेर सारा है। तो वो देखो आगे स्किट्स कर रहा है। ओ सर क्या कर रहे हो यार, ये बुला नहीं बुलाया क्यों था मेरे को यहाँ पे? कभी फोन छीन रहे कभी कुछ बोलना ब्लॉग में बोल दे, जो तुझे अगर नहीं पसंद तो सीधी सी बात। मैंने कुछ नहीं बोला, आप आपकी फैमिली आपके फैंस हैं। मैंने तो बोला कि ठीक है नहीं बोलो अब वो ठीक है। गाइस मेरी बात सुनो, अगर जो भी बंदा मेरा ब्लॉग देख रहा है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको बुरा लगा इस चीज़ का। जो बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्लियर जो करना है आप ब्लॉग में बोल सकते हो, बोलो। मेरे को क्या क्लियर करूं मैं, जो मेरे को बोल रहे थे वहां पे बोलो, बोलो वहां पे। मैंने आपको बोल दिया आपके फैंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स होते मैं बोल देती। मैं गाइस जो भी मेरा सब्सक्राइबर देख रहा है ना ये कुछ बोलेंगे इनकी बात मान लेना, जो आपको बुरा लगता है बोल सकते ना कि ये चीज मत बोलो। मेरी फैमिली देखती है मैंने बता दिया ना, सबकी फैमिली देखती है, मेरी फैमिली देखती है, इनकी फैमिली भी देखती है। आपको कुछ नहीं बोलती होगी यार, मेरे को मैंने आप क्या बोलते हो तन्नू दे? मैं बोल रही हूँ एक लड़का लड़की दोस्त भी तो हो सकते हैं यार, तो वो चीज इनके फैंस को समझ नहीं आ रही है ना। मेरे को भी डीएम करके बोल रहे हैं कि राजा डीसी आपका बीएफ है, अगर नहीं बीएफ है तो बना लो आप बीएफ। मतलब यार दोस्त नहीं हो सकते हम दोनों? मैंने इसकी फैमिली को इसकी फैंस को 10 बारी क्लियर कर दिया ये चीज कि मैं और ये और मैं शफकत से हम लोग जो भी है। मैंने कब बोला आप मेरी गर्लफ्रेंड हो यार? आपने नहीं बोला बट आपके फैंस बोल रहे हैं, मेरी फैमिली देख रही है ना, ये राजा डीसी मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कब बोला तू मेरी गर्लफ्रेंड है? मतलब मेरी शक्ल देखो और इसकी देखो, ठीक है? हाँ वो लेह लद्दाख के बाद मेरी शक्ल थोड़ी चेंज हुई है बट मैं इससे बहुत ज्यादा। बट मैंने कभी बदतमीजी कुछ की जो तुम मुझे बोली? मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। नहीं बन सकते आप, यही क्लियर करना था, मैंने यही क्लियर करना था। मतलब देखो अगर आगे से बोल देती हाँ बनना है तो फिर था। तू मेरे से छोटा है ना? हाँ तो छोटा हूँ। हाँ तो वही तो मैं बोलना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को। और वैसे भी तूने क्या बोला था कि जब मैं तेरे से पूछती हूँ कि मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी बहन हूँ? हाँ बहन भी बोलता हूँ। हाँ तो फिर बहन कैसे वो गर्लफ्रेंड हो सकती है? वो तो वो उन चीजों राजा डीसी फैमिली को बोलना है ना। तो छोड़ो यार, बस मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भी बोल दे जो कि तेरी फैमिली में से कोई व्लॉग देख रहा है तो। पापा मम्मा देखो ये मेरा जस्ट दोस्त है, मैं सिर्फ इनके साथ व्लॉग्स बनाती हूँ और मेरा कोई सीन नहीं है इनके साथ। और ये जो वीडियो बना रहा है ना शफकत, ये भी मेरा दोस्त है बस। और राजा डीसी की फैमिली सच में ये मेरा दोस्त है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स ओके। सो प्लीज ये फालतू की बकवास मत किया करो, थोड़ी आराम से बात कर ले मेरे सब्सक्राइबरों के साथ, उनको प्यार से बोलेंगे। फैमिली बोलती है तो तू क्या बोल रही है?
उनको बोल राजा डीसी फैमिली जी, वो मेरी फैमिली है। तू बोल मत ये चीज कि तू इनको बोल दे जो भी तेरे को बुरा लग रहा है। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी टोन यही है ना, मेरे को गुस्सा आ रखा है, बस सिंपल सी बात। ये चीज नॉर्मल होगी, मेरे लिए चीज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और वैसे भी गाइस एक और चीज बता दूं, इसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी जम्मू में है, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मैं नाम भी बता दूंगी, मेरे को डीएम अब कर देना, ठीक है। वो अभी तो बोल रहे थे कि राजा डीसी आपकी वो बॉयफ्रेंड है, अब ये डीएम कर देना कि राजा डीसी की गर्लफ्रेंड कौन है, मैं बता दूंगी। चलो बता देना। आपको तेरे को कोई प्रॉब्लम है? मेरे को क्यों प्रॉब्लम होगी, है तो है, अब तू नहीं है तो नहीं है, तो मेरे को बनना भी नहीं है। तो शफकत की भी गुजरात में, उसकी तो बता नहीं रही, मेरी भी बता रही, उसकी भी बता, वो दोस्त नहीं है, वो सबको पता है शायद, मैंने कमेंट्स पढ़े थे। तू क्यों हंस रहा है, इसकी भी गुजरात में। ये चेक करो भाई, पीसफुल भाई। हमने सोचा था बोटिंग करेंगे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए भाई अभी मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि भाई खुद ही चलानी पड़ेगी। और बाकी अपने दोस्त वगैरह सब बैठे हुए बिजी हैं भाई, सबके सब फ़ोन में। ये देखो भाई, पारुल, वित्री बोस, विनीत भाई, प्रेरणा दीदी। गाइस मैं सोच रहा था खाली दिल्ली में ट्रैफिक होता है, बट सच में यार चंडीगढ़ में बुरा हाल हो रखा है। और ये जो लड़की पीछे बैठी है, बोलिए बाइक को यहाँ से उड़ा के लेके जा। मैंने बोला ये पापा की परी नहीं जो उड़ती है, ये बाइक है, ये चलती है। बताओ ना, बॉयफ्रेंड से बाद में बात करना, आप काट सकते हो फोन। पता है, हाँ ठीक है। आप सबको ये बोलते हो मेरी गर्लफ्रेंड, तो आपने बता दी कि जम्मू में है, तो अपने बॉयफ्रेंड का भी बता दो। देखो गाइस झूठ बोल रही, बट हम झूठ नहीं बोलते, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमने मान लिया इसका अभी, बट ये मानती नहीं है। मेरा दोस्त है और मैं दोस्त को दोस्त ही मानती हूँ, मैं दो बॉयफ्रेंड ही मानती हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइस, हम सच में रास्ता भूल गए थे। हाँ। भाई विनीत और पता नहीं कहाँ पे चले गए, वित्री बोस भी उनके साथ साथ में थे। हम लोग ना इतना ज्यादा घूम फिर के आए बिना मैप के, है ना, बट पहुँच गए रास्तों में से। इसलिए जूस पिला रहा हूँ इसको, मैं पिला रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाकी आज के बाद प्लीज भी कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करना कि आपकी गर्लफ्रेंड है। दोस्त बोलोगे तो ठीक है, दीदी बोलो चलता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई मेरे लिए सारे ना एक बराबर है यार। तो अभी जूस वगैरह आ गया, ये पीते हैं, तो उसके बाद भाई घर जाके व्लॉग वगैरह एंड करते हैं। ठीक है, आप क्यों पकड़ रहे हो ये तो? क्या बोल रही है? अच्छा, आपकी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, चलो लेटो। बट गाइस सच बोल रहा हूँ, मज़ा आया राइड का। और आप भी बता देना चंडीगढ़ के ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो भाई बता देना दिल्ली कब निकलूँ, ऐसा तो मैं कल परसों निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ भाई आराम से भाई, ये देखो मुगू। गाइस मेरी छोटी बहन है, ब्लॉग में ही नहीं आती है बिल्कुल, बहुत शर्माती है।